ओनम नरेम गोंदल कि इश्के जामदान की पजीराई के मौका पर मैं सिर्फ आप कहते हैं ना किताब पढ़ी हो तो वो स्टेज पे आए, लेकिन जब इन्होंने किताब की रोनमाई की तो मैंने वाकई नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब तो ये मेरी फेसबुक में है और मैं डेली इनकी एक ताज़ा नज़्म पढ़ती रहती हूँ, और इसलिए मुझे ज़रा कहना भी अच्छा लगेगा आप पे कि पूनम गोंदल की इश्किया जाबदा का एक पन्ना जो मैं आपके गोश गुजारूंगी। तेरी कहकशां कोई और है, तेरी कहकशां कोई और है, मेरा आसमां कोई और है, मेरा दिल तो तुम्हारे पास है, तेरा मान मेरी आस। ये जो दरमियान में है फासले, मुझे इनसे शिकवा नहीं कोई, तेरी रूह मेरे साथ है, तेरी रूह मेरे साथ है, तेरा कुर्ब मेरी आस है। तेरी कहकशां कोई और है, मेरा आसमां कोई और है। औरत वली नहीं होती, लेकिन औरत के बगैर कोई वली भी नहीं होती। पूनम साहबा ने इश्के जावदां पर कलम कुशाई की, इश्क की तफसीर में हर पहलू पर सबकत ले गई। इश्के जावदां लिखने से पहले ज़रूर अपने कलम को खूने जिगर की स्याही दी होगी, तब जाकर अल्फाज करतास में उभरे होंगे। यहाँ मैं एक पहलू की बात करूँगी, महबूब का सबसे कीमती तोहफा अपने मुहिब के फराग का तोहफा होता है। फराग के ज़माने शख्सियत साल ज़माने होते हैं, इन्हीं दिनों में इंसान के अंदर का इंसान पैदा होता है, ख्वाबीदा और खुफिया सलाहियतें दरियाफ्त होती हैं, इंसान का अपना बातन उस पर आश्कार होता है, महबूब की याद से जगाती है और जागने वाला इंसान फिराक की रातों से और भी बहुत कुछ हासिल करता है। किसी की याद में जागने वाला कभी बदकिस्मत नहीं होता, इंसान के आंसू उसके लिए अजीम मुकद्दर लिखते हैं। विसाल सिर्फ ज़ात तक है, फिराक सारी कायनात तक, बल्कि इश्के जावदा है। इंसान से मोहब्बत वही कर सकता है जिस पर खुदा मेहरबान होता है। खुदा ताला जब किसी पर बहुत मेहरबान होता है तो उसे अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत अता करता है। अल्लाह ताला के एहसानात में सबसे बड़ा एहसान मोहब्बत है। मोहब्बत कम ज़र्फ और कम नज़र का काम नहीं, वो आला ज़र्फ और बुलंद निगाह इंसानों की का खेल है। ये बुलंद नसीब इंसान की बात है, इस ज़िंदगी में जिसे महबूब मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। हाथ में हाथ के एक मुलाकात के कितने चर्चे हुए, कितनी शोहरत मिली, लोग दूधों दूध, लोग हाजी बने, हम निशाने सितम, हम ही इबरत निशान। बहुत खूबसूरत आपका ये बयान है। पूनम ने हर पहलू में लिखकर ख्वाब खूब दाद पाई। आज मैं इनकी पजीराई तकरीब में इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। बार जगह पर फलसफी अंदाज है रूहानी और महबत जमाल, दरिया का दर्द कतरे को सोजे जावदा कर दे, उसे कभी शबनम कभी मोती कभी आंसू बना रहा होता है। मेरे दिल की दुनिया में आकर तो दे, तुम्हें मेरे दिल की हकीकत मिलेगी। हर जिंदा इंसान के लिए कोई ना कोई महबूब होता है, जिनका कोई महबूब नहीं वो अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपनी अदाओं पर मर मिटते हैं, अपने खून की सुर्खी पर खुदा होने फिदा होने की ख्वाहिश इनके खून के सफ़ेद होने की दलील है। ऐसे लोग आईना खानों में अक्सर देखे जाते हैं, ना वो किसी को पसंद करते हैं ना कोई उन्हें पसंद करते हैं, उनकी ज़िंदगी फ़कत एक जजीरा होती है।